नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर इंडियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पतंजलि का केश कांति एलोवेरा हेयर जेल। तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा और इस प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले बता दूं कि इसके पहले बहुत सारे मैंने पतंजलि के प्रोडक्ट के रिव्यू करे थे, उनके बारे में बताया था, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उधर से क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है केश कांति एलोवेरा हेयर जेल और पतंजलि का है दोस्तों। तो सबसे पहले तो बात करूँ इसके रेट की, तो रेट है इसका 40 रुपये में 60 ml है, तो काफ़ी चीप है दोस्तों। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि ये हेयर जेल है। तो नॉर्मली आपने कभी ना कभी हेयर जेल तो यूज़ किया होगा, लेकिन इस हेयर जेल की खास बात क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं खास बात बताने से पहले बता दूं वीडियो क्यों मैंने क्यों बनवाया बनाया है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो मिनोक्सिडिल को लेकर बनाए थे और मुझे कई कमेंट्स आते थे कि मिनोक्सिडिल लगाने से हमारे बाल स्टिकी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जेल मिनोक्सिडिल लगाने के बाद यूज़ करोगे आप, तो हो सकता है कि आपको बालों बाल जो आपके स्टिकी हो जाते हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसकी खास बात तो ये है कि आयुर्वेदिक के इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, ठीक है। और एलोवेरा है, तो एलोवेरा मतलब तो समझ रहे होंगे दोस्तों आप लोग, एलोवेरा के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। एलोवेरा एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, ऐसे कई अनेकों फायदे हैं एलोवेरा के। अब दोस्तों, एलोवेरा के अलावा भी इसमें बहुत कुछ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, घृत कुमारी है इसमें जो लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। घृत कुमारी मतलब एलोवेरा ही होता है दोस्तों। उसके अलावा मिंट है, पुदीना, नीम, तुलसी, ये चारों चीज़ आपको इस जेल में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्रोडक्ट ये। तो अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूँ तो खुशबू भी काफ़ी अच्छी है, और सबसे मेन चीज़ है कि इसमें केमिकल्स नहीं है। अगर हम मार्केट से कोई दूसरा जेल लेते हैं बालों में यूज़ करते हैं, आप लोग कई लोग करते होंगे, तो काफ़ी उसमें केमिकल्स होते हैं जिनसे कि बालों को नुकसान हो सकता है, बाल आपके झड़ सकते हैं और भी बहुत सारे जो है उसके नुकसान हो सकते हैं। तो इसके कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। तो इसको अब आपको यूज़ कैसे करना है? तो यूज़ सिंपली दोस्तों, जैसे आपने जेल वगैरह कभी यूज़ किए होंगे वैसे यूज़ करना है। जब आप बाल धोते हैं तो हल्का सा जो है बाल आपके गीले होने चाहिए, हल्के से ज़्यादा नहीं, या तो हम कहते हैं थोड़ा सा बालों में मॉइस्चर होना चाहिए, तब इसको लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा और बाल भी आपके सही से सेट हो जाएंगे, कंघी सही से हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और एक बार आप लाके देखिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ज़्यादा महंगा नहीं है ये, आप यूज़ करके बिल्कुल देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये गर्मियों में लगाएं, ठंडी में लगाएं, तो ऐसा नहीं है, 12 महीने लगा सकते हैं इसको। और दूसरा सवाल एक और आ रहा होगा कि पतंजलि का एक और जेल था जो कि सौंदर्य एलोवेरा जेल है, तो वो भी दोस्तों एलोवेरा जेल है, तो आप सोच रहे होंगे क्यों ना हम वही लगा लें। तो दोस्तों, इसमें और उसमें थोड़ा डिफरेंस है। उसमें दोस्तों स्पेशली एलोवेरा ही दिया हुआ है, सौंदर्य जो पतंजलि का प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, और इस केश कांति में जो है आपको एलोवेरा के अलावा भी तीन चीज़ें मिल जाएगी, मिंट, नीम और तुलसी। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। और वो जो सौंदर्य एलोवेरा जेल है पतंजलि का, उसको दोस्तों जनरली क्या होता है कि चाहे आप बालों में लगाएं, स्किन में लगाएं, तो कुछ देर बाद जो है हमको धोना पड़ता है, वॉश करने पड़ते हैं, बाल हो चाहे हम स्किन में कहीं भी लगाएं। और इसको दोस्तों आप जो है बाल स्पेशली बालों के लिए ही बनाया गया है, और इसको जो है आप बाल धोने के बाद लगाएंगे, तो ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है। बाकी एलोवेरा तो दोनों में है दोस्तों, लेकिन ये जो है स्पेशली हेयर के लिए बनाया गया है, इसलिए इसमें लिखा है दोस्तों एलोवेरा हेयर जेल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सौंदर्य जो इसके पहले एलोवेरा जेल आया था हम वो यूज़ कर लें, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, स्पेशली बालों के लिए है, और आफ्टर बाथ जो है बाल धोने के बाद मेरा मतलब है आप इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट के बारे में बस इतना ही। तो अभी भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, बिल्कुल मैं कमेंट्स के द्वारा जो है आपको जवाब दूंगा। और मैं ही बता दूं, मैं कुछ दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, इसलिए मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ। और ज़्यादातर उन लोगों को समस्या होती है जो मिनोक्सिडिल लगा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा ये। और मैं अभी भी दोस्तों कहता हूँ कि अगर आप इसको यूज़ करने से पहले थोड़ा सा तेल और लगा लें, कोई भी नॉन स्टिकी तेल, और उसके बाद इसको थोड़ा सा लगा लें, तो और मेरे ख्याल से बेटर रिजल्ट मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप देख सकते हैं इसको यूज़ करके। तो दोस्तों, मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उस टाइप से नए नए वीडियो लाते रहूंगा। और कमेंट्स है तो बिल्कुल अभी भी कमेंट्स कर सकते हैं आप मुझे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल नॉलेज फॉर इंडियन।